नमस्कार, हिंदुस्तान टुडे देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ भूमिका। आइए देखिए खबर। चीन मान्यताओं के अनुसार जो महिलाएं कार्तिक मास में दशहरे से लेकर पूर्णिमा तक महीने भर सूर्योदय के पहले नहाकर प्रतिदिन एक नियत देवालय में जाकर भजन कीर्तन के आठ साथ एक कपड़े में सुपारी हल्दी की गांठ जो आदि सामग्री को पोटली बनाकर उसकी पूजा करती हैं, साथ ही पुरोहित व्रती महिलाओं को प्रतिदिन कार्तिक मास की कथा सुनाते हैं। उसके उपरांत महिलाएं भजन गाते हुए परिक्रमा करते नगर के मंदिरों में जाकर दर्शन आदि करती हैं। ये क्रम लगभग 26 दिन चलता है। उसके उपरांत 27वें दिन आंवले की पूजा कर अपने मान्य धनों को आंवले के पेड़ के नीचे पूजकर रुचिकर भोजन खिलाया जाता है। उनके परिवार पर कोई कष्ट नहीं आता, स्वयं भगवान उनके घर परिवार की रक्षा में खड़े रहते हैं। वहीं अन्य मान्यताओं में वीर आल्हा उदल की माता ने तेजमयी संतान प्राप्ति के लिए कार्तिक मास में स्नान किया था। ये भगवान की कृपा बरसाती है। छीमक से संवाददाता वीरेंद्र पराशर की खास रिपोर्ट। कार्तिक माह में महिलाएं स्नान करती है। हाँ। तो कितने दिन बाद होता है? एक महीने बाद। अभी जी कितने दिन और चलेगा? जी 5 दिन चलेगा। 5 दिन। राजू भाई कहाँ की रहने वाली? बारौल। यहाँ पे जो अमरिया पूजी जा रही है, हाँ, इसका महत्व क्या है? इसका महत्व ये पुण्य धर्म के लिए नहाते हैं। हाँ, अपनी नंद वानज को नौता दियो, उनको जिवाओ। कितने दिन की पूजा रहती है? एक महीने की। हाँ जी, अमरिया एक महीने में कब पड़ती है? जी पड़ती है दीपावली बाद नमे को। हाँ तो जी पूजा कितने दिन चलेगी अमरिया की? अमरिया की तो आज वो नमे को चलेगी, बस 5 दिन फिर घाट बदलना है। अच्छा। हाँ 5 दिन घाट जैसे तीर्थ नहाने जाना है। आपका दिनचर्या क्या रहती है सुबह से लेकर शाम को? मतलब ऐसे आप स्नान करने जाती हो? हाँ। तो सुबह कितने बजे उठते हो? 4 बजे उठते हैं और सुबह 5 बजे पूजा कर लगते हैं। पूजा क्या क्या करती हो? ये है फूल और सिंदूर और दही पाई ये चढ़ता है। गांव के मंदिरों में जाते हैं, परिक्रमा देते हैं, हाँ भजन कीर्तन करते हैं। इसलिए 50 महिलाएं हैं। पचास। तो सवेरे उठ के जाती होंगी? हाँ, 3 बजे से। तो कहाँ कहाँ जाती हैं आप? हम अभी तो जैन नहाते हैं। हाँ। 5 दिन अब नहाएंगे घाटों पर। घाटों पर गांव के कितने घाट हैं?